हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। एंड आज ब्लॉग की स्टार्टिंग देखो, हमारा न्यू बॉर्न बेबी कर रहा है एंड मैं अभी ना इसको उठाने की कोशिश कर रही थी एंड ये उठने का नाम ही नहीं ले रहा था, क्योंकि ना ये दिन में तो सोता है एंड रात में जागता है। सो अभी आज वो हो गया पूरा 4 दिन का एंड आज से उसकी मालिश स्टार्ट हो जाएगी। एंड मालिश वाली आंटी आई हुई थी ना, सो उसके कपड़े निकाल दिए एंड मालिश करने को जैसे ही हो रही थी ना, तो वो रोने लग जा रहा था कि उसको ऐसा लग रहा था मेरे को कोई टच नहीं करे, बस मैं आराम से सो लूं। बाबू की मालिश हो रही है, मालिश हो रही है। बच बच बच, बहुत भूखी लगाई। ओ अरे, हमारा छोना छो बाबू रो रहा है मालिश होने के बाद। है रोते थोड़ी ना है। जाओ दादी के पास जाओ, मामा के मामा को दे दे वो। पता चल गया, मालिश बंद हो गई ना इसी। सो गाइस, अभी हम लोग जा रहे हैं मार्केट, क्योंकि घर का थोड़ा बहुत सामान लेना है। बोले नहीं तो शटर लगा देते, मैं तो लगेगी नहीं, आप लगा दो, आपको ही लगानी पड़ेगी, मेरे से नहीं लग रही। तो अभी हम लोग जा रहे हैं मार्केट, चलो बैठो बैठो, मैं चला बैठना। प्रधान को हर बार छोड़ आते हम जब भी बाजार आते हैं दोनों, और पापा उसको आने नहीं देते। पापा बोलते मैं उसको ना गार्डन लेके जाऊंगा घुमाने के लिए, सो हर बार वहीं रह जाता, हर बार जिद करता कि मैं जा रहा हूँ। बट कोई नहीं, अभी हम लोग, क्योंकि फिर वही है ना, गाड़ी पर सामान भी हो जाता है तो फिर उसको बैठाने का भी दिक्कत हो जाएगा, इसलिए पापा आने नहीं देते हैं। और आज मौसम भी थोड़ा ऐसा ही हो रहा, कल तो बहुत तेज वाली बारिश हुई। और चलिए कोई नहीं, सामान वगैरह लेके आते हैं। मार्केट आके सबसे पहले हम लोगों ने लिया समोसा। बस बस बस, ये हमारा समोसा। समोसा खाने मार्केट में आके सबसे पहले हम लोगों ने समोसे पे दावा मारा, क्योंकि ये आए मार्केट हम लोग समोसे ना खाए ऐसा हो नहीं सकता है। तो गर्मा गर्म समोसा विद चटनी। समोसा खाने के बाद हम लोग सीधा आ गए थे सब्जी मंडी में, और यहाँ पे ना इतनी फ्रेश फ्रेश सब्जियाँ थी ना, तो ऐसा लग रहा था ये भी ले लूँ ये भी ले लूँ। सो हमने बहुत सारी हरी सब्जियाँ ले ली, मेथी पालक धनिया, मतलब बहुत सारी हरी सब्जियाँ ले ली। और हरी सब्जियाँ तो वैसे भी खानी चाहिए, सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। मेरे को ना सच बताऊँ बहुत अच्छी लगती हैं हरी सब्जियाँ। तो बस यहाँ से हम लोगों ने फिर सब्जी लेने के बाद फिर दुकान पर पहुँच गए, वहाँ से हम लोगों ने जो भी खाने पीने का सामान था वो लिया। एंड उसके बाद फिर अभी हम पहुँच गए मिठाई की शॉप से, यहाँ से हम लोग मिठाई खरीदेंगे। तो ये मिठाई हमें बांटनी है, बांटने के लिए हमने ले ली है। न्यू बॉर्न बेबी की आने की खुशी में हमने मिठाई बांटनी है, तो यहाँ से हम लोगों ने मिठाई पैक करवा ली है। तो यहाँ पे हमने सारी खरीदारी कर ली है, एक बोरी वो रखी हुई है, एक बैग ये है, और यहाँ से बस मिठाई पैक करवाते हैं एंड मेडिकल पे जाएंगे, मेडिकल से थोड़ी सी दवाइयाँ खरीदें एंड उसके बाद फिर हम लोग घर के लिए लेंगे। अभी हम लोग आ गए हैं घर, बाबू वेट कर रहा होगा बेसब्री से कि मम्मा अब आएगी। लगे घर शटर बंद करा, बोल रही है ओ एक बैग मैं लिया हूँ, बाकी का ये सामान ले गया है, ऊपर चलते हैं एंड देखते हैं छोटा बेबी एंड हमारा बाबू दोनों क्या कर रहे हैं। मिठाई अभी फ्रेश थी तो बस हम लोग मार्केट से आए, इन्होंने पूरी मिठाई को पैक कर दिया और सोचा अभी लगे हाथ इसको मम्मी बोल रही थी देके आते हैं। सो यहाँ पे मम्मी जाएंगी मिठाई सभी को देने के लिए जो हमारे आस पड़ोस में लोग हैं। एंड अभी हो रही है नेक्स्ट मॉर्निंग और मम्मी सुबह उठ गई थी जल्दी, फिर मम्मी ने नहाया धोया एंड मनीषा के लिए बनाया आज खाना। सो हमारे यहाँ ना 5 दिन हो जाते हैं, जब 5वें दिन जो जिसकी डिलीवरी होती है ना उसको फिर ना खाने में दाल चावल रोटी ये सब दिया जाता है। सो मम्मी ने पहले तो थोड़ा भगवान जी के लिए भोग लगाया एंड उसके बाद थोड़ा सा बाइट मम्मी ने लिया खाने के लिए, थोड़ा सा जूठा करके दिया जाता है। एंड उसके बाद अभी आज मनीषा खाएगी दाल चावल एंड रोटी, और अभी इतने दिनों से उसको रोटी नहीं मिल रही थी, अभी हमारे यहाँ ना दलिया लड्डू ये सारी चीज़ें दी जाती हैं। एंड बस उसके बाद जैसे आज रोटी दे दी ना, इसके बाद थोड़ा थोड़ा करके वो फिर कभी कभी खा लेगी रोटी, और 5 दिन तक हमारे यहाँ रोटी नहीं दी जाती है। सो बस यहाँ पर मम्मी ने उसके लिए फटाफट से खाना बनाया और मैं देखो कितने आराम से यहाँ पर लेटी हुई हूँ, मनीषा है अपना खाना एंजॉय कर रही है। मेरा रास्ता भटकाया लाला, मेरा ब्लू। मम्मी कर रही है मनीषा की लिए आग रेडी, वो लेगी धोनी, इसमें आग में अजवाइन डाल के वो हाथ पैर सेकती है। इस मम्मी ने आग जला दी है।
सो आज का दिन भी हमारा पूरा ऐसे ही निकल गया। मैंने ज़्यादा कुछ सूट नहीं किया क्योंकि समझ सकते हैं हम सारे लोग हैं तो मस्ती मजाक एंड छोटा बेबी के साथ दिन पूरा ऐसे ही निकल जाता है। सो यहाँ पे मम्मी एंड मेरी थोड़ी बहुत ऐसी कुछ बातें चल रही थी तो हंस रही थी मम्मी। एंड यहाँ पे देखो हमारा सोना बेटू कैसे अच्छे से सो रहा है। और ये वीडियो कैसा लगा आप लोगों को जरूर से बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक लिए बाय बाय।